हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आचार्य जी चैनल पर। यूपी बीएड का पहली राउंड का जो काउंसलिंग थी उसका रिजल्ट आपका जारी हो चुका है, तो आप सरकारी रिजल्ट पर देख लीजिएगा। यूपी बीएड 2021 जो आपका फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट रिजल्ट है, इसमें जब हम जाएंगे, क्योंकि इसमें सुबह से काफ़ी समस्या आ रही थी, अभी अभी ये रिजल्ट आपका जारी हुआ है। तो सबसे पहले आपको दिखाई दे जाएगा डाउनलोड अलॉटमेंट रिजल्ट। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तब आपको इसमें अपना यूजर आईडी वो डालना है, तो कैप्चा आप जब इसमें डालेंगे तब उसके बाद आपका रिजल्ट इसमें खुल करके आ जाएगा। मैं इसमें आपको डाल के दिखा देता हूँ। जैसे ही मैं आपको इसमें डालूंगा तो आपको रिजल्ट इसका शो होने लग जाएगा। ये देखिएगा, यहाँ से जब इसको लॉगिन करते हैं तब इसका रिजल्ट आपका ओपन होगा। आपको यहाँ पर करना क्या है, आपका जो चॉइस फिलिंग जो अलॉटमेंट का रिजल्ट होगा उसको आपको देखना है। तो जब अलॉटमेंट के रिजल्ट पे जाएंगे आप उसको व्यू कीजिएगा, आपको जो भी कॉलेज अलर्ट हुआ होगा उसको आप देख लीजिएगा। जैसे मेरे लिए जो कॉलेज अलर्ट हुआ है, कॉलेज का नाम है नेहरू मेमोरियल, जो आपका दास कॉलेज है हमारा बदायूं में, ये सरकारी कॉलेज है, सरकारी कॉलेज मुझे मिला है। तो ये आपके सामने है, इस तरीके से आप इस कॉलेज को देख सकते हैं। इसकी फीस मैं आपको बता दूँ, फीस इसकी बहुत ही कम है, 3414 इसकी फीस है। तो यदि आपकी रैंक 12,000 तक है तब आपको आसानी से सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। तो ये इस तरीके से आप अपना अलॉटमेंट का डिटेल देख सकते हैं। और इसके अलावा यदि आप मान लीजिए, मैं एक बार इसके लॉग आउट हो गया, दोबारा इसको करके दिखा देता हूँ। इसके बाद आपको अपना अलॉटमेंट के जो रिजल्ट होगा, अलॉटमेंट रिजल्ट के बाद आपको क्या अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करना है। तो अलॉटमेंट जो लेटर होगा उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वो आपको कॉलेज में दिखाना होगा। जिसमें भी आप एडमिशन लेना चाहेंगे वहाँ पर ये आपको दिखाना होगा। ये देखिएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके का ये रहने वाला है आपके सामने। ये देखिएगा, आपके पास इस तरीके का आपके सामने अलॉटमेंट का रिजल्ट रहेगा, जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह आपके सामने जो है, अलॉटेड जो भी कॉलेज होगा, जैसे जो भी आपको कॉलेज अलॉट होगा वो आपके सामने रहने वाला है, वहाँ पर आप जो है आसानी से देख सकते हैं। इस तरीके का आपके सामने ये रहने वाला है। चलिए, थैंक यू दोस्तों, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।